हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भेज हक्का नूडल की ये रेसिपी। तो दोस्तों, आप भी बनाइए रेस्टोरेंट जैसा भेज हक्का नूडल अपने घर पे, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नूडल्स को बॉयल कैसे किया जाता है और सब्जियों की कटिंग कैसे की जाती है। तो बने रहिए वीडियो के बिना स्किप किए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा भेज हक्का नूडल हम कैसे घर पर बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी गर्म करके रखा था और 300 ग्राम हमने हाफ बॉयल नूडल लिया है। आप चाहे तो टाइट नूडल भी ले सकते हैं। टाइट नूडल जो होता है 8 से 9 मिनट लगता है, और हमने यहाँ पे हाफ बॉयल नूडल लिया है। तो हाफ बॉयल नूडल बॉयल करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डालना है 2 टेबल स्पून रिफाइन। तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे रिफाइन लिया है, और रिफाइन को उसमें डाल देंगे। रिफाइन डालने के बाद इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। रिफाइन डालने के बाद दोस्तों, हमारा नूडल जो है ना, एक पर एक सड़ता नहीं, इसीलिए रिफाइन इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से 2 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद नूडल हमारा देखना है उसमें बॉयल हुआ कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें से नूडल निकालना है, और अच्छे से उसका लाइनिंग गायब हो जाएगा, लाइनिंग हट जाएगा, तो हमारा नूडल तैयार हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे नूडल को पसा लिया है, और इसका पानी अच्छे से गार देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डालना है ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद नूडल जो है हमारा चिपकता नहीं है एक पर एक, इसीलिए इसमें डालना है ठंडा पानी। पानी को अच्छे से डाल दें चारों तरफ। डालने के बाद इसका पानी गार ले बढ़िया। अब इसमें डालना है 3 टेबल स्पून रिफाइन, और बिल्कुल अलग अलग कर देना है ताकि नूडल हमारा चिपके नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून रिफाइन लिया है, और इसमें डाल देना है, और बिल्कुल अलग अलग कर देना है एक बड़े से बर्तन में बनाने के लिए। लिया है हमने यहाँ पे शिमला, और शिमला को एकदम पतले पतले लंबे लंबे काट लेना है। बीच का जो पर्सन है हमें अलग अलग कर लेना और काट लेना, और बंधा को भी ऐसा ही काटना है। बीच का जो डंठल है हमें उसे निकाल देना है, और पतले पतले लंबे लंबे काट लेना है। सब्जियों की कटिंग करने के लिए चाकू आपका तेज होना चाहिए, इससे सब्जी जो है ना हमारा अच्छा कटता है। उसके बाद गाजर को हमें सलाद जैसा काट लेना है, और बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे काट लेना है। प्याज भी हमें बिल्कुल स्लाइसेस पतले पतले लंबे लंबे काट लेना है। दोस्तों, हमारा कटिंग यहाँ पूरा हुआ। हमने 2 शिमला को एकदम महीन और पतले पतले काट लिए हैं, और प्याज भी वैसे ही पतले पतले काट लिए हैं, और आधी को हमने एकदम महीन चॉप किया है, एकदम बारीकी चॉप कर लेना है आधी को, और बंदा और गाजर को पतले पतले लंबे लंबे काट लेना है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक यंग फ्राई पैन लिया, और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून हमने रिफाइन को ऐड कर दिया। रिफाइन डालने के बाद हमें फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, अच्छे से गर्म, गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देना है, और अच्छे से इसे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमारा नूडल जो है ना, इसमें सड़ता नहीं है, इसीलिए इसे अच्छे से गर्म कर लेते। इसके बाद हमने इसमें आधी डाला, आधी को थोड़ा गोल्डन कर देंगे। उसके बाद इसमें हमें डालना है शिमला और प्याज को। शिमला प्याज डाल देने के बाद हमारा जो शिमला और प्याज का पानी है, इसे अच्छे से कच्चापन हटा देगा, इसीलिए शिमला और प्याज को इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से चलाएंगे। बिल्कुल इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे। लगभग 30 से 40 सेकंड तक इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हमारा शिमला प्याज भी हो गया है, अब इसमें डालेंगे बंदा और गाजर को। बंदा गाजर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और गैस का फ्लेम जो है हमें हाई ही रखना है। इससे है जो हमारा बंदा और गाजर जल्दी गलेगा, और फ्राई पैन जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है, और हमें अच्छे से चलाना है। इन सबको इनमें डाल के मिक्स कर देना है। लगभग 30 से 40 सेकंड बंदा और गाजर को भूनने के बाद उसमें हमें डालना है। यहाँ पर सब्जी हमारी पक गई है अच्छे से। उसके बाद हमें डालना है इसमें नूडल। नूडल डालने के बाद इसे 3 से 4 बार अच्छे से चला देना है। 3 से 4 बार अच्छे से चला दे। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, और नमक को अच्छे से डाल देंगे। यहाँ से हम 3 से 4 पर्सन बना रहे हैं, इसलिए 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला है, और आधा टेबल स्पून हमने रखा है अजीनामोटो, और 1 टेबल स्पून हमें डाला है वाइट पेपर। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं, हमने वाइट पेपर यूज किया है। और 1 टेबल स्पून हमें डालना है ग्रीन चिली सॉस। इन सबको इनमें डाल दें। उसके बाद हमें डालना है इसमें 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। 1 टेबल स्पून इसमें डार्क सोया सॉस डाल देंगे।
से अच्छे से डाल देंगे चारों तरफ और गैस का फ्लेम जो है हाई कर देंगे। उसके बाद अच्छे से चलाएंगे इसे 50 से 60 सेकंड तक। और उसके बाद हमें डालना है इसमें 1 टेबल स्पून इसमें विनीगर। विनीगर को डालने के बाद लगभग 40 से 50 सेकंड तक इसे अच्छे से हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे इसे, तब हमारा नूडल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों ये रही हमारी रेस्टोरेंट वाली भेज हक्का नूडल। अब आप भी बनाइए अपने घर पर रेस्टोरेंट जैसा भेज हक्का नूडल, वो भी इतने सिंपल ट्रिक में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।